नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। तो हम चलिए, आटा है, गेहूं का आटा, इससे बनाते हैं हम एक अलग सा नाश्ता। तो 250 ग्राम हमने आटा लिया है, इसमें थोड़े से हम नमक डाल देंगे और थोड़ी सी मीठी सोडा, और डाल के हम बनाते हैं इसका नाश्ता जो एकदम झटपट से बन जाती है। आटे जो हमने लिए हैं, देखिए थोड़ा सा नमक इसमें डाले हैं, थोड़ी सी मीठी सोडा, खाने वाली सोडा, और इसको हम जिस रोटी बनाते हैं उसी तरह से गूंथ लेंगे। तो चलिए हम इसको गूंथ लेते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही गूंथ लेनी है। आटे हमने गूंथ लिया है, देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम, जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से गूंथनी है इसको। इसको बनाते हैं पेड़े, और रोटी की तरह पेड़े बना के हम इसको बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसी बड़े से साइज में। तो ये देखिए हमने रोटी बेल ली है, पतली सी बड़ी सी साइज में, और ऐसे हम एक ढक्कन लेंगे, होटल की ढक्कन, और अच्छी तरह से धो के साफ करके इसको सूखा हुआ है, तो इसको हम आटे में डैप करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे ऐसे, जैसे मैं काट रही हूँ। तो सारी हम इसी तरह से कट कर लेंगे, और इतनी छोटी छोटी सी रोटी हमारी इससे निकल के आएगी। तो हमने ये ढक्कन से कट करके छोटी छोटी सी बहुत सारी रोटियां हमने बना ली है। एक रोटी हमने बनाया था उसमें से ये ढक्कन से कट करके बहुत सारी रोटियां बन गई। तो इन्हें हम माइक्रोनी, जो हम पास्ता बनाते हैं मार्केट से ला के, उसी तरह के सेव देंगे। ये देखिए ऐसे लेंगे, और हम धीरे से बीच में इसका दबा देंगे, और हमारा इस तरह का बन जाएगा, इसका सेप आ जाएगा। देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ, धीरे से पुश कर देंगे, चिपक जाएगी और ये साइड साइड से खुली रहेगी। तो सारा हम रोटी को इस तरीके से सेप दे देते हैं। चलिए बनाते हैं फिर इसका नाश्ता। मैंने एक इस तरह से आपको बना के दिखाया है, ये देखिए, और मैं एक अलग ही इसका डिजाइन देगी, जो साइड में थोड़ा सा घूस करके, ये देखिए इसका इस तरह का डिजाइन आएगा। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, आप साइड से थोड़ा सा इसको दबाइए और फिर बीच से ऐसे दबा दीजिए, और ये देखिए एक अलग सा शेप बन रहा है इसका। और एक और बनाती हूँ, तो इसके बीच से ऐसे दबाएंगे और फिर दोनों तरफ से पकड़ेंगे और पीछे से ला के पुश कर देंगे। इसकी डिजाइन ये देखिए अलग अलग डिजाइन के हैं, ये भी बीच से दबाएंगे, फिर दोनों साइड से पकड़ के पीछे से ला के दबा देंगे, और इस तरह से ये बन जाएगी। तो चलिए सारे पास्ता हम अलग अलग तीन डिजाइन दे दिए हैं, ये देखिए। तो सब हम ऐसे अलग अलग डिजाइन दे के बना देते हैं। तो देखिए आटे की अलग अलग सी डिजाइन हमने बनाई है, सारी डिजाइन मैंने सामने बना के आपको दिखाया है, देखिए। तो चलिए इन हमने बना लिया है ये, तो अब इनमें उबालना है, तो हम गैस स्टोव पर पानी बैठाते हैं, और पानी में थोड़ी सी हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। पानी हमने लिया है डब्बू में, हाफ छोटे से डब्बू में हमने बैठाया है पानी, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच, और पानी उबलने देंगे। पानी में हम 1 चम्मच डालें रिफाइंड ऑयल, और थोड़ी सी नमक डालते हैं। पानी में रिफाइंड इसलिए डाले हैं कि हमारी ये जो माइक्रोनी हम बनाए हैं तो एक दूसरे में चिपके नहीं, इसलिए। तो पानी उबलने तक हम वेट करेंगे, उबलने के बाद इन्हें सारे माइक्रोनीस को इसी में डाल देंगे और उबालेंगे 2 से 3 मिनट तक। पानी हमारी उबल रही है, तो हम डालते हैं इसमें माइक्रोनीस जो हम बना के रखे हैं उबलने के लिए, और जब तक ये उबल रही हैं तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। चलिए सब्जियां बना काटेंगे, देखिए टमाटर, मिर्ची, प्याज, फूल गोभी लिए हैं, और गाजर थोड़े से, फिर छोटे छोटे पीसेस में हम इन्हें काट लेंगे जब तक हमारी मैक्रोनी उबल रही है। मैक्रोनी हमारी उबल रही है, देखिए अच्छी तरह से, ये हम एक बार चेक कर लिए, तो ये पकी नहीं थी ठीक से, दबा के देखिएगा अच्छे से कट जाएगी, तो पकी है वरना नहीं पकी है, चेक कर लीजिए। और
दो मिनट तीन मिनट इसको अच्छे से पका लीजिए ढक्कन लगा करके। और जब तक माइक्रोन उबल रही तब तक मैंने सब्जियां काट लिया है। देखिए हरी मिर्च, प्याज, गाजर, गोभी, टमाटर और मटर, और ये नींबू रखे हैं, इसको भी लास्ट में हम इसमें डालेंगे ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छी आए। खट्टी खट्टी सी नमकीन से चटपटी लगती है ये बहुत ज़्यादा। तो आप इस तरह से माइक्रोनी आटा के नाश्ता बनाइए। हमने निकाल दिया, माइक्रोनी अच्छी से उबल गई है, पानी हमने बाहर निकाल दिया। इसमें ठंडे पानी हम थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको धो लेंगे ताकि एक दूसरे में ये चिपके नहीं। देखिए ठंडे पानी से हमने माइक्रोनी धो लिए हैं अच्छे से, ये देखिए एक दूसरे में चिपक नहीं रही है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी खिली खिली सी हुई है। तो चलिए अब हम इन सब्जियों को फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई हमने गैस स्टोव पर रख दिया है और कढ़ाई गर्म होने पर डालते हैं इसमें रिफाइन ऑयल, आप चाहे तो सरसों ऑयल में भी बना सकते हैं। और फ्लेम को हम हाई कर देते हैं और बनाते हैं फटाफट। तेल गर्म हो गई है तो इसमें हम डालते हैं पहले मिर्ची, प्याज, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे बस 2 मिनट। तो फ्राई करने के बाद हम सब्जियाँ और कुछ करेंगे जो सब्जी हमने काट के रखी है। 2 मिनट प्याज और मिर्ची फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर और गोभी, इसे भी 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, इसे टिफिन में आप दे दीजिए, बहुत चाव से बच्चे खाते हैं और ये हेल्दी बहुत होती है। इतनी सारी सब्जियाँ होती हैं इसमें, ये आटे की बनी होती है तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो प्लीज़ इस तरह से आप बना के खिलाइए और मेरे को लाइक ज़रूर किया करिए। 3 से 4 मिनट गोभी और गाजर को भी हमने फ्राई कर लिया हाई फ्लेम पे ही चलाते हुए। इसमें हम डालते हैं मटर और टमाटर, इन्हें भी हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे 4 मिनट। चाहे तो आप और सब्जियाँ डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, बीन्स, बंद गोभी, बच्चे हमारे बहुत पसंद करते हैं ये कलरफुल नाश्ता। सब्जियाँ हमारी अच्छी फ्राई हो गई है, हम डालते हैं नमक थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि उबले हुए हैं। उबालते समय हमने डाला है नमक और पहले से आटा में थोड़ा सा नमक डाल कर सीखा था आटे को। तो आप नमक का ध्यान भी डालिएगा, कम भी डाल दीजिएगा सब्जियों में। नमक डालने के बाद 1 मिनट तक आप इसको फ्राई किया और इसमें हम डालते हैं माइक्रोवेव जब हम उबाल के जैसे जैसे करते हैं। और इसको 2 मिनट हमने और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा करके। तो फ्रेंड्स हमारा घर के आटे से बनी हुई ये माइक्रोनी नाश्ता और बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये देखिए इस अंदर देखने में भी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से बनाइए आटे से पास्ता और अपने बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। ये धनिया पत्ता में थोड़ा सा डाल दिए। तो गैस को मैं बंद करती हूँ और इस तरह से आप बनाइए पास्ता आटे की और चाहे अपने बच्चों को खुद भी खाइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि हमने पास्ता कैसे बनाए हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी वीडियो पूरी देखिए। थैंक यू सो मच।